कैसे भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत? शुक्र जी अल्लाह का। भाई का नाम जानना चाहूंगा पहले। मेरा नाम मोमिन। मोमिन भाई, हाँ जी माशाल्लाह नाम तो बहुत प्यारा है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो अखलाक भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाँ। देख रहे हो अपना चैनल आरएफ के व्लॉग। ये जनाब गर्मा गर्म यहाँ का गाजर का हलवा भाई कह रहे हैं कि मैंने खुद तैयार किया है। जी। पक्की कर ले या क्रेडिट ले रहे हो? नहीं नहीं सर, मैंने खुद तैयार किया। माशाल्लाह यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे गोरे भी रखे हुए हैं, भर्ती किए हैं, देख सकते हैं। Where you from, brother? Where you from, भाई? अभी देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हाल है, ये जो मेरे कैमरे में भी कवर नहीं हो रहा, लिहाजा बाहर चलना पड़ा। ये जनाब हमजा भाई की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको मैंने विजिट कराया था फरहान भाई के स्टूडियो का, माशाल्लाह अभी भी काम पे लगे हुए हैं। फरहान भाई तो कुछ वीडियो में क्लिप भी आपको चेक कराएंगे। मुश्किल से जी हमारा रिक्शा मिल चुका है जनाब, जिसे कहते हैं चिंगची। यहाँ भाई अभी हम पहुँच चुके जनाब शेरिटन सिटी के बिल्कुल सामने होंगे आपके। ये जनाब शेरिटन सिटी मैरिज हॉल है और इसके साथ दो तीन मार्केटें भी हैं और उसके बाहर देख सकते हैं कि लंडा भी यहाँ पे लगा हुआ है। चार ब्लॉग अलहमदिल्ला पहले से बना चुका हूँ, उनको थोड़ी सपोर्ट करें और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि इस वक्त आप मौजूद सियालकोट में देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हाल है। ये बेस्ट मैरिज हाल नाम है इसका और डिडियाल के हालों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हाल हैं यहाँ के। तो अभी आपको अंदर ले के चलेंगे और अंदर का भी विजिट करवाएंगे। तो आतिफ साहब ज़रा आ जाए हमारे साथ, पहले चलेंगे हम जनाब जी एम के ऑफिस। ये भी शाह साहब है जी, हमारे यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, काफी अच्छा काम करते हैं। तो आज इनके पास आए हैं, तो इधर हाल का विजिट करवाएंगे और शाह साहब से भी बातें होंगी। तो शाह साहब कहाँ जा रहा है आपका चैनल? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का जा रहा है। आप यहाँ पे तशरीफ लाए, दूर से आए, हमें अपने मुलाकात का शर्फ बख्शा है। तो मैं सामीन से गुजारिश करूँगा कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके इस चैनल को आपकी मदद की, तावन की ज़रूरत है। तो इनको आप सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद आगे लोगों को भी बताएँ कि ये किस तरह से नेचर को, कुदरती जो मनाजिर हैं उनको ये लोगों को दिखाते हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आज हमारा ये सीन था कि आज हमें चेक करवाना था कि डियाल और यहाँ के जो मैरिज हॉल का डिफरेंस है ना, अच्छा, वो चेक करवाना था आज के ब्लॉग में। अच्छा, उस सिलसिले में आपके हाल का भी विजिट करना है हमें। चलो ठीक है, आप देखें। वैसे अभी पहले नाश्ता करना है तो उसके बाद इंशाल्लाह विजिट करेंगे। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अभी नाश्ता आ चुका है, गर्म गर्म चाय हाथ से डुल गई। तो नाश्ता वगैरह मैं कर लिया, अभी आपको थोड़ा सा एक हाल का विजिट करवाता हूँ मैं। तो उसके बाद गाजर हलवा आने वाला है और वो भी खाना है हमने। और ये देख सकते हैं कि ये लॉबी है इस हॉल की, भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये है यहाँ की इसकी लॉबी और ये इसका अहमद पहला हाल है, दूसरा तीसरा मिडल वाला हाल है जी। और उसके बाद इसकी तीन चार हाल हैं, चार तीन चार चार हाल, चार हाल, एक मेन वाला हमारा छोटा और तीन बड़े हाल। छोटा हाल पार्टी के लिए, पार्टी के लिए जिसमें बर्थडे हो गई है। ठीक है, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए छोटा हाल। और ये अब इसका मिडिल वाला हाल है, तो इसकी भी लाइट्स वगैरह ऑफ हैं। तो लाइट्स ऑन होती तो इसकी लुक थोड़ी और मन जानी थी, तो वो ऑन नहीं हो सकती। दो मिनट के लिए लाइट्स में ऑन कर ऑन हो जाए तो फिर आपको इसका मुकम्मल चेक कराया जाएगा, क्योंकि अभी डिकोर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह जो इसकी सिंपल सेटिंग होती है यहाँ की, वो इसी तरह की सेटिंग होती है। और एक डिफरेंस तो आपको नज़र आ गया होगा कि वहाँ पर सेटिंग होती है जो वो होती है कुर्सियों की, क्या हाल है? तो कुर्सियों की यहाँ पे सोफा सेट लगेगा ना, इस वजह से आज फंक्शन नहीं है, आज छुट्टी है, इस वजह से हमने सेटिंग नहीं की हुई। ठीक हो गया जी, आज फंक्शन नहीं है इसकी वजह से इन्होंने अभी सेटिंग नहीं की हुई। मैं चेक करवा रहा हूँ, देख सकते हैं आपको कितने प्यारे माशाल्लाह सोफा सेट यहाँ पे लगे हुए हैं।
इधर की साइडिंग यही है, और चेयर वगैरह अगर लगानी हो तो ये साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ पे सफाई हो रही है, इस एरिया में चेयर वगैरह लगाते हैं। और मिडिल वाले एरिया में यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें लगी होती हैं, सोफ़ा वगैरह। और उसका उसके बाद अभी मैं चलता हूँ आपको स्टेज की जाना, वो स्टेज भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि अभी सफाई हुई है, और साथ में वो एग्जॉस्टर वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जिसकी वजह से काफ़ी शोर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि ये स्टेज है इसका, चेक करो ना ये भाई। कैसे सर तबीयत? इन्हें रेंज किया जी गाजर हलवा, अभी गाजर हलवा खाते हैं तो बाकी आगे चल के ब्लॉग को कैरी करते हैं। ये जनाब गर्मा गर्म यहाँ का गाजर का हलवा, भाई कह रहे हैं कि मैंने खुद तैयार किया है। पक्की गल है या क्रेडिट ले रहे हो? माशाल्लाह जी, अभी चेक करते हैं और बताते हैं कि सिर्फ गर्म किया है। माशाल्लाह जी, चलें अभी चेक करके बताते हैं कि कैसा बना है। बस और नहीं डाला आपके लिए, डाला ही नहीं अभी यार, पहले डाल चलें। शायद साहब ज़रा चेक करें आप भी, आप तो है रोज़ यहाँ पे चेक करते हैं। कैसा बना? कैसा लगा मेरा मजाक? जबरदस्त सर यादव साहब, आप दें माशाल्लाह जी, कह रहे हैं कि सारा ज़बरदस्त बना हुआ है। और आज कर लेता हूँ कि कैसा बना हुआ है, कैसा लग रहा है पाकिस्तान। कैमरा जो एडजस्ट करने वाला बंदा ना आया लाख होने सीरी आने होने भी शेफ ने हलवा चेक करा पता लगा नहीं। माशाल्लाह जी भाई ने बड़ा अच्छा हलवा बनाया हुआ है, अभी हम करते हैं हलवा जो, तो आप हाल के व्यू चेक करें फिलहाल। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे गोरे भी रखे हुए हैं, भर्ती किए हैं, देख सकते हैं कि वेयर यू फ्रॉम ब्रदर, वेयर यू फ्रॉम? आई एम तज़ीर, I live in Pallam। ये जी मेरा बन जाइए माशाल्लाह, ये भी यहाँ भी काम करता है। तो ऐसा यहाँ पे कोई ठीक निज़ाम चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। चलो आप निज़ाम चलाएं फिर हम चलते हैं सियालकोट। सियालकोट गाड़ी चलाते चल आगे तो वापस आगे होती है। ये जी यहाँ का माहौल है, कुछ बाहर से आपको मैं चेक करा देता हूँ कि हाल कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये अभी देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हाल है, ये जो मेरे कैमरे में भी कवर नहीं हो रहा, जैसा बाहर चलना पड़ेगा थोड़ा सा। बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ इसका मुकम्मल व्यू, ये यार चेक करें माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं आप जनाब यहाँ का हाल और यहाँ के हाल के मंदिर। तो अभी हमने चलना है आगे सियालकोट सिटी की जानेब, लारेडा और शेरिटन एक और हाल है, वो उसका भी आपको विज़िट करवाएँगे। काफ़ी रश है तो हमें इंतज़ार है लारी अड्डे चाचा लारी अड्डे, कोई नहीं जी लारी अड्डे वाली गाड़ी अभी नहीं आ रही। अभी यहाँ पे काफ़ी रश हो चुका है क्योंकि स्कूल में छुट्टी का टाइम हो चुका है। ये देख सकते हैं आपके अभी यहाँ पे सनराइज़ पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है, तो इस वजह से रिक्शे का मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, एक रिक्शा वो सामने से आ रहा है, तो देखते हैं कि शायद ही हमें मिल जाए यहाँ से रिक्शा। मुश्किल से जी हमारा रिक्शा मिल चुका है जनाब, जिसे कहते हैं चिंग ची यहाँ पर, तो काफ़ी मुश्किल और ड्राउटेड। दोस्तों आज दूसरी दफ़ा जनाब आतफ साहब को लग चुका है यहाँ पे चूना, क्योंकि कल हम जा रहे थे लाहौर और वहाँ पे भी आतफ साहब को लगा 100 रुपये का चूना, और आज इधर लगे इनको 20 रुपये का चूना है। किराया देते हैं तो रोजाना चूना, मेरी तरफ से चूना, इनकी तरफ से बचत। 150 रुपये का चूना और आज 20 रुपये का चूना, 20 रुपये का चूना। और चूना लगवा पहुंच चुके हैं जनाब, ये लारी अड्डा है और यहाँ पे भी वेट करना हमने बंदा है कायका में पिक करने के लिए, उसके बाद चलना है आगे की जानब। आपको बताएंगे कि आगे का क्या सीन है। ये है जी लारी अड्डे का, ये साथ ही अंदर लारी अड्डा है, अभी वहाँ पे हम जा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे वेट करना है हमने बंदे का। हम पहुंच चुके जनाब शेरिटन सिटी के बिल्कुल सामने होंगे आपके, ये जनाब शेरिटन सिटी मैरिज हॉल है और इसके साथ दो तीन मार्कियां भी हैं, और इसके बाहर देख सकते हैं कि लंडा भी यहाँ पे लगा हुआ है। हर सहूलत आपको हॉल से निकलते ही मिल जानी है यहाँ पे, मैं लंडा हंडा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये जी शेरिटन सिटी, तो इसके अंदर का भी माहौल देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह चल रहा हुआ तो इसके अंदर का भी माहौल आपको चेक करवाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पर आप ये इसका बाहर का माहौल चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हाल ये बना हुआ है यहाँ पे।
ताली ले है की देना दो एल्बम देने ते दो दिन की वीडियो बस सही है ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਾਓ शेरिटन विजिट करने के बाद हम यहाँ पे वहाँ पे हमें टाइम नहीं मिला कि शेरिटन का विजिट के बाद अभी आए हैं हमारे के दोस्त हैं फरहान भाई उनका ये ऑफिस है तो इसका भी आपको मैं विजिट करा दूँ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया है इन्होंने ऑफिस पहले तो ही विजिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई ठीक है वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक आप सुनाएं माशाल्लाह फरहान भाई बड़ी जबरदस्त सेटिंग बनाई है आपने अपने ऑफिस की माशाल्लाह माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं जनाब खुद के फोटोज भी लगाए हुए हैं एक फोटो यहाँ पे मुझे नजर आया जो हमारे डडियाल का बना हुआ है ये फोटो है जी ये डडियाल का बना हुआ है तो ये चेक कर सकते हैं वॉल माशाल्लाह ये वॉल चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको कुछ फोटोज और फ्रेम नजर आ रहे हैं काफी जबरदस्त सेटिंग की हुई है ये दोनों तरफ से काफी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं जनाब ये भी जबरदस्त चीज है तो ये सिस्टम वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे एडिटिंग के लिए कंप्लीट सहूलत सियालकोट में से अगर इनसे कोई काम कराना चाहता है तो डायरेक्टली इनका नंबर आपको शो हो रहा होगा आप इनसे रब्ता कर सकते हैं बल्कि दुनिया के किसी कोने में से भी अभी आपको मैंने विजिट कराया था फरहान भाई के स्टूडियो का माशाल्लाह अभी भी काम पे लगे हुए हैं फरहान भाई तो कुछ वीडियो में क्लिप भी आपको चेक कराई जाएगी टीम ने वीडियो बनाई हुई है यहाँ पे वेडिंग की भी और भी काफी कुछ चेक कराना है तो थोड़ा सा भाई करीब आना तो जैसा कि बताया था ये हमारे फरहान भाई है माशाल्लाह बहुत अच्छे वीडियोग्राफर भी हैं और ये स्टूडियो भी इनका एक दफ़ा भाई आप ड्रोन लगा के कैमरे से चेक करवा दीजिएगा हाँ ऐसे घुमा के चेक करवा दें माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं जबरदस्त किस्म का स्टूडियो बनाया हुआ इन्होंने और जैसे के बाद चक्कर लगा तो ये हमारे भाई है हमजा भाई इनसे मिलने के लिए स्पेशल हम यहाँ पे आए हैं जनाब हमजा भाई कैसे आप अल्लाह का शुक्र आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सुनाए अल्लाह दो तीन साल हमारे इकट्ठे गुजरे हैं यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे और इन सामने आप देखते हैं ज्वेलरी की शॉप है और साथ में कपड़ों की और एक ये शॉप है इस शॉप का नाम क्या है भाई फ्लैश गारमेंट्स फ्लैश गारमेंट्स फ्लैश फ्लैश किड्स गारमेंट्स हैं वो भाई वो भाई बता रहे हैं उनसे भी पूछते हैं चल के अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे भाई ठीक है अल्लाह का शुक्र आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भाई का नाम जानना चाहूंगा पहले मेरा नाम मोमिन मोमिन भाई माशाल्लाह नाम तो बहुत प्यारा है आपका तो अखलाक भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है भाई का तो भाई ये सिर्फ किड्स का करते हैं आप जी किड्स का गर्ल्स बॉयज दोनों के और ऑनलाइन कोई ऑर्डर करे तो वो भी हो सकता है सर इंशाल्लाह सूरत तो डिटेल थोड़ी बता देंगे आप डिटेल बता दीजिएगा डिटेल आपने कोई भी अगर आपको चीज पसंद है आपको पिक्चर्स वगैरह नंबर मेरा आप दे दें ठीक है पिक्चर्स वगैरह जो आपको व्यू आपको से दिए ठीक है भाई इंशाल्लाह भाई का नंबर भी होगा तो अभी ये भाई है इनसे आपका मैं पूरा तारुफ करवा दिया है माशाल्लाह मोमिन भाई तो जो भी शॉपिंग आपने करनी होगी तो नंबर नीचे चल रहा है आप कॉल कर लें तो पार्सल लगवा देंगे ठीक है तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ ये बच्चों के सूट मेरा तो भाई जरा चेक करिएगा जो बताया आपने ये देखिए ये बच्चे का रोमपर है न्यूबॉर्न का ठीक है एम्ब्रॉयडर्ड है चाइना का सही हो गया इस तरह हमारे पास फुल शूटिंग भी होती है ये इसका टॉप है ये ट्राउजर है ठीक हो गया एक मेरे पास माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का ये भी ये इसका ये पूरा सूट है ये भी न्यूबॉर्न का सूट है जबरदस्त उसके अलावा आपने जब ये टॉप पर लिया हाँ हाँ बिल्कुल ये बहुत ही प्यारी चीज है माशाल्लाह ये छोटे साइज में भी है इससे बड़ा ये न्यूबॉर्न तक है इसका ये न्यूबॉर्न तक ये कितने साल कितने मंथ तक थ्री टू फोर ठीक है ठीक है ठीक है सही हो गया माशाल्लाह रेट्स रेट्स इंशाल्लाह मुनासिब हैं ठीक हो गया कस्टमर को भी होती है ना कस्टमर का रेट रेट भी जाके होता है प्राइस भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी जी मैं चेक कर कोई क्लेम भी करेंगे रिटर्न ऑप्शन कोई क्लेम आ जाए तो वापस होकर चेंज हो बिल्कुल जी आतिफ साहब भी कह रहे हैं बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं माशाल्लाह जी काफी अच्छे रेट्स हैं और इनका जो कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे इतनी मालूमात नहीं लेकिन मैं चेक करके बता सकता हूँ कि आज छू के बता सकता हूँ कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़